फॉर्म ऑफ इटरेशन ऑफ द लूप। अगेन लूप के केस में बात करें तो लूप का बॉडी किससे टर्मिनेट किया, सेमी कॉलन, सिंस बॉडी पार्ट कैसा है एम्प्टी। ऑलवेज एग्जीक्यूशन किसका कराना है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन बॉडी लीव इट, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। इस केस में टेस्ट किया है, इनिशियलाइजेशन सेशन में एक्सप्रेशन कितने, टू एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई कॉमा, इज दिस वन इज कंसिडर्ड एज इनिशियलाइजेशन सेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमी कॉलन के बिटवीन में जो भी ऑकर हुआ उसको कंसिडर करेंगे एज अ कंडीशंस। इस केस में कंडीशन कॉमा सेपरेटेड टू कंडीशंस है, कंडीशन दोनों ही टेस्ट होंगे, लेकिन इटरेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, लास्ट एक्सप्रेशंस में। जब तक लास्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हुआ। सेम एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में भी इंक्रीमेंट ओनली सिंगल वेरिएबल में अप्लाई किया, मल्टीपल वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स आई एज वेल एज जे सेपरेटेड बाई कॉमा। फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ लॉजिकली, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन सेशन में मल्टीपल एक्सप्रेशन कॉमा से सेपरेट करके प्रोवाइड करना पॉसिबल, और सेम एज कंडीशन के प्लेसेस पर भी मल्टीपल एक्सप्रेशन कॉमा सेपरेटेड प्रोवाइड करना पॉसिबल, सेम एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोर देन वन वेरिएबल्स में अप्लाई करना पॉसिबल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। देन फाइनली इस केस में पूछा गया व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आई एंड जे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप, मीन जैसे इस लूप के केस में कंडीशन फॉल्स हुआ कंट्रोल लूप से बाहर सेंड हुआ, देन इस केस में डिस्प्ले कराना है, फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ आई एंड जे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन हुआ तो इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले परफॉर्म क्या करेंगे, इसे डिस्प्ले क्या कराना है वैल्यू ऑफ आई जे। मैं इसको सिंपली क्लियर कर रहा हूँ फॉर सॉल्विंग पर्पज। मीन्स इसका बॉडी पार्ट कैसा है एम पी, मीन्स राइट डाउन लाइक दैट, देन डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ आई कोमा जे। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम करो इस केस में आई और जे ऑलरेडी कैसे डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, इसे कंप्लीट कोड नहीं ओनली सिंपली स्यूडो कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जे। आई और जे जब इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन 2 से हो रहा है, जे का इनिशियलाइजेशन 5 से हो रहा है। नेक्स्ट वन कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में चेक करें, कंडीशन तो दोनों ही टेस्ट होंगे लेकिन ट्रू है, मीन से लूप कब तक एग्जीक्यूट हुआ, जब तक सेकंड कंडीशन ट्रू है, प्लस एवरी टाइम आई और जे में दोनों में ही इंक्रीमेंट ऑपरेशन से अप्लाई हो रहे हैं कंटिन्यूअसली मीन्स इक्वेलेंटली। फाइनली इस केस में श्योरिटी है जे का, मीन से कंडीशन का फॉल्स हो, जब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज दैट फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन 10 ट्रू, 6 लेस देन 10 ट्रू, 7 लेस देन ट्रू, 8 less than true, 9 less than true, 10 less than false. Means 10 less than 10 condition क्या हो जाए false. Same as first condition भी test हुआ, जब first time j का value 5 था उस केस में i का value क्या है 2. Then इसका 5 का comparison किससे हुआ 2 से, next time 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7. Means finally in that case दोनों ही केस में increment कितनी बार हुआ है, 5 plus 5 is 10, 2 प्लस 5 इज 7, इस दोनों केस में इक्विवेलेंटली इंक्रीमेंट ऑपरेशन से अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए फाइनली जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा उस केस में आई और जे दोनों के वैल्यूज क्या होंगे, आई का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू क्या होगा 10 एंड वैल्यू ऑफ आई इज 7, इसलिए फाइनली आउटपुट में मैसेज भी क्या डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ आई जे, वैल्यू ऑफ आई इज 7, वैल्यू ऑफ जे इज 10।